तो कैसे हैं सभी? जैसे है क्या एसएसबी में जो एएसआई स्टेनो की भर्ती है उसका रिटर्न हो गया है, किसी के नंबर आ गए हैं और जैसे अभी डेट आई नहीं है स्किल टेस्ट की। बैच तो पहले से ही चल रहे हैं और आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, अब क्या करना है और नज़दीक टाइम पर, तो वो चीज़ समझ लें। ठीक है, जैसे कि वहाँ मैटर कैसा बोला जाएगा, फॉन्ट कौन सा रहेगा, मैटर कैसे लिखने हैं, ठीक है, अनुवाद टाइम कैसे करना है, और जो बच्चे फ्रेश हैं बिल्कुल कि हम सब जाएँ कि नहीं जाएँ, तैयारी करें कि नहीं करें। देखो, भी रिटर्न दिया है और आप लोगों ने वहाँ तैयारी भी करी है, तो तैयारी और कर लो, देख के आओ। अभी मान लो अभी आपसे ये निकल गया, आगे भी निकल गया कोई पेपर, तो शॉर्ट हैंड सीखने में कोई दिक्कत नहीं, इसको एक विषय के रूप में लिया करो आप लोग। ठीक है, उससे फायदा ये रहता है कि आगे कोई भी आपसे निकल जाती है स्टेनो की जैसे लिखित परीक्षा, तो आप लोग शॉर्ट हैंड जानते हैं तो उसको दे लेंगे। ठीक, तो एक एक करके सभी समझें कि वहाँ फॉन्ट कौन सा रहेगा, वहाँ होगा क्या, और जिनको नहीं आती वो क्या करें, और जो स्पीड लिख रहे हैं तो वो मैटर कहाँ से लिखें और कितनी स्पीड के लिखें। तो जैसे है क्या, पहले बात तो सभी समझ लें वहाँ होना क्या है। एक तो जो आएंगे उसमें एडमिट कार्ड में आपके, मान लो एडमिट कार्ड जाएगा और साथ में आधार कार्ड और जो भी, और या फिर डीबी भी कराएंगे साथ तो वो बता देंगे, उसमें तभी बताया जाएगा, एडमिट कार्ड पर लिख के आएगा। ठीक, लेकिन वहाँ क्या है, आपको 10 मिनट का मैटर बोला जाएगा 80 की स्पीड से, जो हिंदी के हैं वो हिंदी को हिंदी में बोले जाएंगे, जो अंग्रेजी वाले हैं अंग्रेजी में बोले जाएंगे। ठीक है, अब हिंदी वाले में क्या है, 800 वर्ड की डिक्टेशन बोली जाएगी। ठीक, और 800 वर्ड की जो डिक्टेशन बोली जाएगी आपने शॉर्ट हैंड में लिख ली, उसके बाद में 65 मिनट दिए जाएंगे ट्रांसलेट के लिए, और कुर्ती देव फॉन्ट दिया जा रहा है उसमें। ठीक, उस पे आपको टाइप करना है। अब आप लोग क्या है, जो आप अनुवाद कर रहे हैं 800 शब्दों का, तो आपकी जो टाइमिंग होनी चाहिए 25 मिनट, 30 मिनट या 35 मिनट, ये होनी चाहिए। बचे हुए टाइम में आप लोग उसको कई बार रीचेक कर लें, जिससे कि गलतियां आपकी कम रहें। ठीक, ये तो जो जानते हैं वो ऐसा काम करें। एक तो ये अनुवाद करने वाला काम रखें ही रखें, बाकी स्पीड का कह रहता है कि सर वहां स्पीड तेज बोल जाती है, मैटर कहाँ से बोले जाते हैं। तो देखो, मैटर जो है दैनिक जागरण, जनसत्ता की समीक्षाएं साइड वाली भी, ठीक, निबंध माला और फोर्स से रिलेटेड जितने मैटर हैं अब तक, घटनाएं घटी वो मैटर, कुछ कहानियां भी, ये सारी लिख। ठीक, और आपने रामधारी गुप्ता से तो मैटर लिखे ही होंगे, वो भी लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे प्रकार के लिखे, कहां भी कोई सा भी मैटर बोल जाता है ये दिक्कत रहती है, जैसे कहीं भी मैटर में तो हाथ सारे चलाए। अब के सर मैटर स्पीड बढ़ जाती है घट जाती है, तो देखो बढ़े या घटने का होता क्या है, जहां छोटे छोटे शब्द आ रहे हैं तो वहां आपको लगता है कि स्पीड सरल है, और जहां बड़े बड़े शब्द आते हैं आपको लगता है कि स्पीड बढ़ गई, लेकिन बढ़ नहीं गई। 1 मिनट में उन्होंने छोटे छोटे शब्द मिला के बोले, आपने मिला के लिख दिए, तो वो आपको लगी सरल स्पीड, और जहां बड़े बड़े शब्द में वो अलग अलग बोल रहे हैं तो आपको लगती है कि तेज हो गई। वहां कई जने चेक करने वाले होते हैं, उनको देखने वाले भी होते हैं, ऐसे कुछ नहीं, सही बोलते हैं, लेकिन आप फिर भी तैयारी कितनी करनी है वो चीज समझे। अगर ऊपर नीचे स्पीड होती है तो करना क्या है, आपको करना है कि 90, 100, 120, 110 पर भी हाथ चलाने। अच्छा, वो हाथ चलाने आपको, उस पर कोई गुणा भाग नहीं लगाना कि हमसे लिखी जा रही है कि नहीं लिखी जा रही है, ये हो रहा है कि वो हो रहा है, ये काम आपने नहीं सोचना है, वो लिखनी ही लिखनी है आपको। ठीक है, वो काम अलग रखें, 100 की 90 की इस तरीके की से आप लोग लिखते रहें, ये काम करते हैं प्रतिदिन अलग, कितनी लिखें 10 10 मैटर, 5 5 मैटर जरूर लिखें, और 10 10 मिनट के ही मैटर लिखें। ठीक, अब ये काम तो आपका, जो आप 100 की और 90 की 120 10 की स्पीड लिखेंगे उससे फायदा ये होगा कि स्पीड कितनी भी ऊपर नीचे होगी आपने उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है,
जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके एसएसबी के, तो उसमें क्या क्या मांगा है वो मैं और एक बात बता रहा हूँ आपके। सर ये मैटर हम लिखें कहाँ से लिखे जाए? तो देखो मैटर को क्या करें, आप लोग इसी चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट फ्री है, वो कोई आपको पे नहीं करना है, 10-10 मिनट के सारे मैटर हैं उसमें। उस सारे मैटर आयोग के, निबंध माला के, जनसत्ता के, दैनिक जागरण के, कहानियां भी सारी, तो जितना लिख सकें लिखें और हाई स्पीड पर भी लिखें। एक अनुवाद वाला काम अपना अलग रखें और वो काम अपना अलग रखें, ठीक। और जिनके पास जानते नहीं है, दूर दराज है जहां की, सर हमारे पास कोई सेंटर भी नहीं है, ये नहीं है, जैसे काफी लोगों के कॉल मैसेज आते रहते हैं, वो क्या करें? देखो भाई ऑनलाइन क्या है, ज्यादातर शॉर्ट हैंड करा तो दी जाए लेकिन वो सही नहीं रह पाती, बहुत चीजें पूछने को रह जाती, ज्यादातर ऑफलाइन ही बैच चलते रहते हैं और ऑफलाइन में ही जल्दी कवर होती है और सही वाली, क्योंकि उसमें पूछने वाली बातें रह जाती हैं, कैसे रहना है ना कैसे। फिर भी जो नहीं आ सकते, जिनको रहती है कि सर कोई तो तरीका निकालो, तो जैसे क्या है, जीरो लेवल से एंड तक का शॉर्ट हैंड कैसे लिखते हैं, क्या अक्षर वगैरह बनाते हैं, उनका जीरो लेवल का 22 अभ्यासों का कोर्स है, लिंक बना रखा है, क्योंकि जो यहाँ पर पहले से लगे तो उनके भाई बंधु के सर इन्हें सीखनी है, बाहर नहीं सीख पाते, ये तो कुछ करो, तो वो मैंने बना रखा है, एक जीरो लेवल से बैच चलाया था, उसको रिकॉर्ड करवा लिया, तो बड़ा अच्छी तरीके से वो लिंक आपको भेज दिया जाएगा और साथ में उसके पीडीएफ। अब की करेंगे कैसे, कहाँ मिलेगा वो? आप लोग ऑफिस का नंबर ले लें, 82-73-51-70-90, इस पर अपना नाम पता लिख के भेजें और आपको वो लिंक ऑफ पीडीएफ भेज दी जाएगी, उसकी कोई फी नहीं, फ्री, ठीक है। आप जितना हो सके पढ़ें पढ़ें और लग सके, ठीक। अरे कि सर हम पढ़ेंगे उस काम को चेक कौन करेगा? तो चेक को मैं बता दूं, आप वो पढ़ के उसी नंबर पर जो मैंने नंबर दिया है उस पर प्रतिदिन की अभ्यास सेंड करते रहोगे, और जब सेंड करते रहोगे तो उसमें क्या गलती है क्या नहीं वो आप लोगों को बता दी जाएगी, ठीक है। तो वो आप लोग करते रहें, पढ़ते रहें फटाफट, ठीक। और बाकी जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे तो वो मैं आपको बता दूँ, सही है, चलो।